हे दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसका रजिस्ट्रेशन जो है 2018 का खुल चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KVPY है क्या, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसमें फॉलोशिप जो मिलेगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है। जो भी स्टूडेंट्स बेसिक साइंस को लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं, बेसिक साइंस को के बारे में आपको बता दूं कि बेसिक साइंस यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जो भी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को आगे लेकर पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको इसे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है। तो KVPY में सबसे पहले एग्ज़ाम देंगे, जो भी स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हें स्कॉलरशिप देगी गवर्नमेंट। ये एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है, द एडवर्टीजमेंट फॉर द KVPY फॉलोशिप अपेयर्स इन ऑल द नेशनल डेलीज नॉर्मली ऑन द टेक्नोलॉजी डे 11 मई एंड द सेकेंड संडे ऑफ द जुलाई एवरी ईयर। इसका मतलब ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन वो खुल चुका है। मैं आपको बता दूँ कि ये एग्ज़ाम कौन कौन से दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बेसिक साइंस नेमली BSc, BMath, MSc, MS में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिनका भी ये सब्जेक्ट है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और KVPY में स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। KVPY में फॉलोशिप पाने के लिए वो स्टूडेंट को इंडियन होना चाहिए, उस स्टूडेंट का नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए तो ही वह यह स्कॉलरशिप पा सकता है। इसे यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले स्ट्रीम एस है, यानी जो स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में है और उनका क्राइटेरिया यह है कि उनका 75% होना चाहिए मैथ्स और साइंस में, यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका 75% होना चाहिए। अगर आपका 75% है इन सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं KVPY के लिए। दूसरे स्ट्रीम की बात करें तो इस स्ट्रीम में आते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट, इनका भी सेम क्राइटेरिया है, उनका भी 75% मैथ्स और साइंस में होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी को काउंट नहीं किया जाएगा, आपका सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में 75% होना चाहिए तो ये आप एलिजिबल हैं KVPY के फॉलोशिप के लिए। एक और स्ट्रीम में स्ट्रीम SB, इस स्ट्रीम में फर्स्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट आते हैं और उनके सब्जेक्ट होने चाहिए BSc, MSc, MS। जो ये सब्जेक्ट कर रहे हैं उनका उसमें मार्क्स होना चाहिए 60% मार्क्स तो ही वो एलिजिबल हैं KVPY के स्कॉलरशिप के लिए। ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात करेंगे फॉलोशिप में आपको अमाउंट कितना मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फॉलोशिप कितना मिलेगा, यह इस बारे में बात करते हैं। तो बेसिक साइंस के लिए आपको SA, SX और SB ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड ईयर मतलब 1 से 3 साल तक आपको हर महीना 5,000 रुपये मिलेगा और इसके अलावा आपको एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट जो मिलेगा 20,000 रुपये, यानी पहले के 3 साल आपको मिल जाएंगे 5,000 रुपया महीना और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको मिलेगा 7,000 रुपया महीना और इसके एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट है 28,000 रुपया महीना। यानी अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो पहले के 3 साल में आपको 5,000 रुपया और उसके 2 साल में आपको 7,000 रुपया पर महीना मिल जाएगा फॉलोशिप के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं KVPY के फॉलोशिप के लिए। ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा आपको दिया गया है, जो भी इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है और आप पा सकते हैं फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए 5,000 रुपया पर मंथ और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आप पा सकते हैं 7,000 पर मंथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप ये वीडियो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ वह भी अपडेट हो जाए और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए ताकि आपको और भी वीडियोस ऐसे मिले।